और दो अंकों की संख्या का घन करने का आसान तरीका जैसे मान ली कि ग्यारह का क्यूब करना है घन का मतलब क्यूब यानी ग्यारह गुड़े ग्यारह गुड़े ग्यारह तीन बार गुणा करेंगे तब होगा और इसका नियम है कि ग्यारह का वर्ग कर दीजिए एक सौ इक्कीस अब देखिए एक का इकाई के स्थान पर एक है तो एक का इसमें गुणा करेंगे लेकिन एक का स्थान इधर से छोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक सौ इक्कीस इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा एक तीन तीन और एक यही आंसर होगा जैसे बारह का क्यू तो यह होगा बारह का वर्ग एक सौ चौवालीस होगा अब इसमें देखो इकाई का अंक दो है तो दो से इसमें गुणा करेंगे आ इधर से एक का स्थान छोड़कर लिखेंगे तो यह हो जाएगा कितना होगा दो चौको आठ दो चौको को आठ और दो एक दो अब इनको जोड़ेंगे तो यह होगा आठ ये आठ चार बारह ये छः एक साथ, और यह हो जाएगा इस तरह तेरह का क्यू यह हो जाएगा तेरह का वर्ग एक सौ उनहत्तर और फिर इसमें तीन का गुणा इधर से करेंगे इकाई का स्थान तीन है इकाई का अंक तीन है तो तीन से इसमें गुणा करें तो इधर से एक का स्थान इधर से लिखेंगे तो तीन नम्बर सत्ताईस और तीन छः के अठारह दो बीस और तीन एक करेंगे तीन दो पाँच इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा सात नौ ग्यारह और दो ये चेक किया जाए कि आंसर सही है कि नहीं है मान लो कि ग्यारह का क्यूब है तो ग्यारह गुणे ग्यारह गुणे ग्यारह तो इसका गुणा करेंगे करें। तो एक सौ इक्कीस होगा इसमें ग्यारह का गुणा करेंगे तो ग्यारह कम ग्यारह ग्यारह दूसरी बाईस एक तेईस एक और बाईस और 18, एक तेईस ग्यारह एकन ग्यारह दो तेरह आ गया फिर इसी तरह बारह का क्यूब ये होगा बारह गुणे बारह गुणे बारह तो बारह का बारह में गुणा करेंगे तो एक सौ चौवालीस होगा इसमें बारह का गुणा करेंगे तो बारह चौको अड़तालीस चार बारह चौको अड़तालीस चार बावन कर दो हासिल पाँच और बारह एक करने बारह पाँच सत्रह तो सत्रह सौ अट्ठाइस आ गया फिर यहाँ पे तेरह का करेंगे ऐसे ही तो यह होगा तेरह गुणे तेरह गुणे तेरह तो यह हो जाएगा तेरह तेरह एक सौ उनहत्तर गुड़े तेरह और तेरह का इसमें गुड़ा करेंगे तो यह आपका एक कई सौ सन्तानवे आ जाएगा इसी तरह निन्यानवे तक का कर सकते हैं निन्यानवे तक का